कहते हैं कि पैदा किए जाते हैं बेटे, पैदा हो जाती हैं बेटियां, पाले जाते हैं बेटे, पल जाती हैं बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, आसमान में भेजे जाते हैं बेटे, पहुंच जाती हैं कल्पना चावला जैसी। बोलो सच्चे दरबार की जय। वैसे तो बेटियों का अपना भाग्य है, बेटे भाग्य से मिलते हैं लेकिन बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। हमारी आंटी जी हैं वो भी किसी ना किसी की बेटी है ना, हमारी भाभी जी हैं वो भी किसी ना किसी की बेटी, और बेटियां तो हैं ही हमारी बेटी, और आप भी किसी ना किसी की बेटी हो। अब वो सुनाऊं क्या, कोख में मरने वाला वो सुनाऊं है पक्का? देखो शादी ब्याह जब होता है और परिवार में जब पहला बच्चा आने को होता है ना, तो हमारे बड़े बुजुर्गों की, बड़े बुजुर्गों की क्यों, हमारी भी यही इच्छा होती है कि पहली संतान बेटा हो, लेकिन प्रभु को मंजूर कुछ और। जब कोख में जब बेटी आती है, परिवार ये सोचता है कि चलो एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लें। अल्ट्रासाउंड जब करवाया तो पता लगा कि बेटी है, डॉक्टर की जेब भरी गई और कहा गया कि डॉक्टर साहब मामला यहीं पे रफा दफा करो। डॉक्टर तैयारी कर रहा है, ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है उस अजन्मी बेटी को मारने की। ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा, डॉक्टर ने औजार उठाए और फिर वो अजन्मी बेटी मां की कोख से वो पुकार कर रही है, क्या कह रही है वो सुनिएगा बहन जी। आए जो कभी समय बुरा तो आए जो कभी समय बुरा तो याद मुझे तुम कर लेना, मत कमजोर समझना खुद को, आंख ना आंसू भर ले, बनकर लाठी संग आपके खड़ी नजर में आऊंगी, बेटी हूं तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी, मैं बेटी हूं तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। और फिर कह रही बेटी, मत मारो मुझे कोख में मम्मी, इस धरती पर आने दो, मुझको मेरा हक दो पापा, कुछ करके दिखलाने दो, मुझको मेरा हक दो पापा, कुछ करके दिखलाने को, पढ़ लिख करके तुम दोनों का मैं सम्मान बढ़ाऊंगी, बेटी हूं तो क्या बेटे से ज्यादा निभाऊंगी। और वो बेटी कह रही है, मुझे मार कर क्या तुम खुद को माफ कभी कर पाओगे। अगर कोख में बेटी मारी जाती तो स्वामी परिवार में छह बेटियां नहीं होती, बड़े भैया के सबसे पहले बेटा होता, तीन बेटियां भैया के। बाप अपनी बेटियों को लेकर के जा रहा था, रास्ते में कोई पूरा भाई थोड़ा इसको यार कंट्रोल करो, कोई अर्थिंग कर दो इसकी, करंट आ रहा है इसमें। बाप जा रहा था तीन बेटियों को लेके, रास्ते में कोई बहुत पुराना मित्र मिल गया, काफी साल बाद मिले। उसने पूछा, और भाई कैसा है तू? बोले भैया मैं बहुत बढ़िया हूं।
बोले तू कैसा, मैं बढ़िया हूं। और परिवार, परिवार बोला भैया देख मेरे तीन बेटियां हैं। कहता ओ हो शुक्र है भगवान का, मेरे पास तो भैया एक बेटा है बस। बाप ने जवाब नहीं दिया, उन तीन बेटियों ने जवाब दिया कि अंकल भगवान बेटियां उन्हीं को देता है जो उनको पालने की हैसियत रखता है, औकात रखता है। इसलिए कह रहा हूं अपने भाग्य का लेकर के आती हैं बेटियां। वो बेटी कह रही है मुझे मार कर क्या तुम खुद को माफ कभी कर पाओगे, बिन बेटी के बेटे वालों बहू कहां से, बिन बेटी के बेटे वालों बहू कहां से लाओगे। रिद्धि सिद्धि और सरस्वती, स्वामी परिवार सुनना है सुनना, रिद्धि सिद्धि और सरस्वती लक्ष्मी बन घर भर जाऊंगी, मैं बेटी हूं तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। आखिर में क्या कह रही है, बेटियों की याद तब आती है जब अब 2 महीने पहले नवरात्रे आएंगे, 2 महीने बाद जब बेटियों की याद आएगी, जब कन्या पूजन होगा, कंजक पूजन होगा, तब बेटियों की याद आएगी। आस पड़ोस में ढूंढना शुरू कर देते हैं, हाँ नवरात्रों से पहले ही, नवरात्रों से पहले ही कि भाई हाँ भी देखो उस घर में कितनी बेटियां, सबसे पहले अपने आनी चाहिए, है ना। बहन तब याद आती है, बेटी तब याद आती है जब रक्षाबंधन आता है, बेटी तब याद आती है दिवाली से अगले दिन जब भैया दूज आता है, तब बहन याद आती, तब बेटी याद आती। वो क्या कह रही है, बेटी मरने जा रही है, वो कह रही है मर तो मैं रही हूं लेकिन सुनते जाओ, बहन न होगी तिलक न होगा, ये बहन न होगी तिलक न होगा, किसके वीर कहोगे। हन्नी सिंह के दीवानों तुम लता कहां से, यो सिंह के, है ना, यो सिंह के दीवानों तुम लता कहां से लाओगे। पोछ ले आंसू नरसी अब मैं और नहीं मर पाऊंगी, बेटी हूं तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। ये तो जो बेटी जो मर रही है वो, और कहते हैं कि बेटियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं, हमारे विजय वर्गीय जी बैठे हैं है ना, कहते हैं बेटियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं, और जब बेटी जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ी होती है माँ बाप को चिंता होती है, जो बाबा का प्रेमी है वो फिर बाबा के दरबार में जाते हैं और बाबा से कहते हैं कि बाबा बाबा मेरी बेटी को ऐसा घर बार मिले, बाबा मेरी बेटी को ऐसा घर बार मिले, जहाँ पूजा हो तेरी, जहाँ पूजा हो तेरी, जहाँ पूजा हो तेरी, जहाँ पूजा हो तेरी, ऐसा परिवार मिले, बाबा मेरी बेटी को ऐसा घर बार मिले, बाबा मेरी बेटी को ऐसा घर बार मिले। ये उस घर की व्यथा बता रहा हूं जिस घर में बेटी बड़ी है, ब्याह ब्याह की तैयारी हो रही है, ताली बजती रही। छोटा सा मंदिर हो उस घर में शाम तेरा, छोटा सा मंदिर हो
उस घर में शाम तेरा, उस घर का हर प्राणी जपता हो नाम तेरा, उस घर का हर प्राणी जपता हो नाम तेरा। छोटा सा मंदिर हो उस घर में शाम तेरा, छोटा सा मंदिर हो उस घर में शाम तेरा, उस घर का हर प्राणी जपता हो नाम तेरा, उस घर का हर प्राणी जपता हो नाम तेरा। ससुराल में भी उसको, ससुराल में भी उसको बेटी का प्यार मिले, बाबा मेरी बेटी को ऐसा दरबार मिले, बाबा मेरी बेटी को ऐसा दरबार मिले। ताली बजती रहे ना, मिलके बोलिए। बरसों की यादों को वो पल में भुलाएगी, बरसों की यादों को वो पल में भुलाएगी। याद करो अपना समय, जब शादी हुई थी ससुराल में आते ही पल भर में पराई हो जाती है। कोई आदमी करके दिखाइए, नहीं होगा, हमारे से नहीं होगा भैया। ये एक बेटी का ही कलेजा होता है, जहां 20 22 25 साल जिस आंगन में खेलती है और चंद घंटों में जाकर के दूसरे पराय आंगन में, जो उसने देखा भी नहीं, वहां पर जाकर के वो अपनी सल्तनत संभाल लेती। बोल सच्चे दरबार की जय। बरसों की यादों को वो पल में भुलाएगी, बरसों की यादों को वो पल में भुलाएगी, जब डोली बेटी की मेरे घर से जाएगी, जब डोली बेटी की मेरे घर से जाएगी, रोते हुए जाएगी, रोते हुए जाएगी, रोते हुए जाएगी, रोते हुए जाएगी, हंसता संसार मिले, बाबा मेरी बेटी को ऐसा घरबार मिले, बाबा मेरी बेटी को ऐसा घरबार मिले। और मेरे श्याम, एक बात और, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी बात क्या है वो भी सुनिए बाबा। जब गठबंधन होगा तुम्हें आना ही होगा, जब गठबंधन होगा तुम्हें आना ही होगा। स्वामी भैया, आज हमारे के स्वामी भैया उनकी बिटिया का जन्मदिन है। बिटिया को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मिश्रा जी कहाँ गए? अच्छा, काम लग रहे हैं, उनकी भी एनिवर्सरी आज। ताली बजती रहे। और कोशिश करना स्वामी भैया, शादी को तो बहुत टाइम है अभी, जब बिटिया बड़ी हो, शादी हो, तो भव्य दरबार सजाना मेरे शाम का। पहले कीर्तन होगा, तब बिटिया की विदाई होगी। बोल सच्चे दरबार की। जब गठबंधन होगा तुम्हें आना ही होगा, जब गठबंधन होगा श्याम तुम्हें आना ही होगा, अपनी लाडो बिटिया पे प्यार लुटाना 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 ही होगा, अपनी नित्या बिटिया पे प्यार लुटाना ही होगा, अपनी लाडो बिटिया पे प्यार लुटाना ही होगा। तेरे नरसी को बाबा, तेरे नरसी को बाबा, तेरे स्वामी को बाबा, तेरे स्वामी को बाबा, इतना अधिकार मिले, बाबा मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले, बाबा मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिले।
घर बार मिले। बाबा मेरी बेटी को ऐसा घर बार मिले। हाँ बाबा मेरी बेटी को एक, एक। आपके बेटी नहीं है, आप भी किसी की बेटी हो ना तो ताली बजाना, किसी ना किसी बेटी के लिए जरूर बाबा से आज फरियाद करना, ताली बजा के बोलना। बाबा मेरी बेटी को ऐसा घर बार मिले। बाबा मेरी बेटी को ऐसा घर बार मिले। ऐसा घर बार मिले। ऐसा घर बार मिले। ऐसा घर बार मिले। बोलिए श्याम प्यारे की जय। बोलो हारे के सहारे की जय।